इंसान मानते हैं कि मनीषा उनके जैसी है, इसीलिए तो मनीषा के सामने और जिया के सामने फुकरे इंसान ने बोला कि मनीषा हम दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। मनीषा रानी ने वो बात पकड़ ली जो बात हमने पकड़ी हुई है, और ये चीज जो है पूजा भट्ट हमेशा ही करती है। बात कोई और रहती है पर गुस्सा जो है किसी और चीज का उतारती है, बोलती कुछ और चीज है, गुस्सा उस चीज का उतार रही होती है जो चीज उसके साथ हुई होती है। इस टास्क में काफी सारी चीजें हुई पर पूजा भट्ट ने एक ही बात पकड़ी रखी कि जदादित को इसने गाली दी है फुकरा ने, और गाली म्यूट कर दी थी, पता नहीं कौन सी गाली दी है या क्या दिया है, और 36 का फिर दोबारा से बोला है, जिससे वो काफी ज्यादा उनको बुरा लगा। हालांकि इतना ज्यादा बुरा लगा कि वो रो दे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो जैसे कि फुकरा इंसान ने बोला कि दीदी आप बीच में मत आइए, वो जैसे मेरे साथ कर रहा है मुझे भी अग्रेशन आएगा, आप बीच में मत आइए, आप मत बोलिए। इस तरीके से जो है अग्रेसिव फुकरा इंसान ने इस टास्क में चुप करवा दिया पूजा भट्ट को। पूजा भट्ट को ईगो हर्ट होगी, मेरे साथ ऐसे कोई कैसे बात कर सकता है, डिसरिस्पेक्टली कैसे कोई बात कर सकता है, मेरा डिसरिस्पेक्ट कर दिया। इतना दिन हो गया इस घर में किसी ने भी इस तरीके से बात नहीं की है, ये ठेस पहुंची है पूजा भट्ट को, और ये चीज समझ आई है मनीषा को। मनीषा पहले बोलती है कि मेरे को समझ में आया ना तो जदादित वाली, ना तो 36 वाली, ना तो एज वाली उनको कोई बात बुरी नहीं लगी, कुछ और बात है, नहीं तो फिर मैं नहीं बोलूंगी, नहीं तो कुछ और ही बात बोलते रहेंगे। तो फुकरा इंसान इस बात को पकड़ लेते कि हाँ यही बात है ना, तो मनीषा बोलती है हाँ वही बात है, तो बोलते कि देखा हम दोनों एक जैसे हैं हम। तो फिर वहां मनीषा बोलती है कि यार पता नहीं जब टास्क होता ना मैं बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक्टिव हो जाती हूँ, काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है मेरे में। तो फुकरा इंसान बोलता है कि हाँ मेरा भी यही है, इसीलिए तू मेरी जैसी है, मैं तेरे जैसा हूं। तो दोनों ही एक दूसरे के जैसे हैं, इसीलिए गेम में इन दोनों का मैच हुआ, क्योंकि माइंड भी एक जैसा है, खेलने का स्टाइल भी एक जैसा है, और किसी को प्यार मोहब्बत केयर करने का भी स्टाइल एक जैसा है, ये सब चीजें एक जैसी हैं, इसीलिए तो भाई ये बहुत अच्छे दोस्त है। क्या कहते हैं आप बताइए जरूर। इसी वजह से पूजा भट्ट को गुस्सा आया है और रो रही है, किसी और के लिए क्यों रोएगी, मेरी डिसरिस्पेक्ट होगी उसके लिए रोएगी, रो रही है, क्या कहते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।